नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। हमारे साथ आज जुड़े हैं मालिका रिसर्चर, कल्कीलीला पुस्तक की रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी। आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। तो हालांकि हमारे जो दर्शक काफ़ी दिन से ये चाह रहे थे कि आप पुलिन पंडा जी से दोबारा आप मिलिए और उनसे आप पूछिए आने वाले समय में युद्ध किस मोड पर जाएगा, तो अभी युद्ध का दिशा किस ओर जा रहा है और इसके बारे में मालिका में क्या लिखा है, भविष्य मालिका में क्या लिखा है, इसी सिलसिले में आज हमारा ये चर्चा है। अभी हालांकि जो युद्ध की जो स्थिति है, पहले एक साल पहले तो युद्ध शुरू हो गया था रशिया और यूक्रेन के बीच में, अब जो है और वो जो युद्ध था उसको हम मान रहे हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध है उसका फर्स्ट फ्रंट जो है तब से खुल गया था। अब हालांकि 2023 की हम बात कर रहे हैं, 2023 अक्टूबर के महीने में जो शुरू हुआ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर, तो ये जो है ये सेकंड फ्रंट खुल गया। तो अब किस दिशा की ओर जा रहा है युद्ध, क्या भारत के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे श्री पुलिन बिहारी पंडा जी से। तो दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं कि भविष्य मालिका में इसके रिगार्डिंग क्या लिखा है। देखिए, ये वार के विषय बारे में भविष्य मालिका में पंचका में जो पांच आदमी पांच सखा है, पांच महान संत हैं ओडिशा के, पांच महंत हम बोलते हैं उसको, पांच महंत, हाँ, उन लोगों ने कोई नाम लेके लिखा नहीं कि ऐसा इसराइल और इसके बीच में युद्ध होगा, अच्छा, या ऐसा होगा ऐसा, वो नहीं लिखे हैं। लेकिन ये लिखे हैं मुस्लिम कंट्रीज विल अट्रैक नॉन मुस्लिम कंट्रीज, अच्छा, जो मुस्लिम मुस्लिम देश सब मुस्लिम समूह के जो देश हैं नॉन मुस्लिम देश को अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे। लेकिन नॉस्ट्रोडामस और फ्रांस के फ्रांस का वो लिखे थे, क्या लिखे थे वो, और अभी जो हुआ ये बात अलग है, ये कोई कहाँ लिखा नहीं, अभी इसे 23 साल में होगा, ये पर्टिकुलर 2023 ऐसा होगा ऐसा होगा कहाँ भी लिखा नहीं। मेरे मेरे मत के अनुसार, अच्छा, आपका जो खुद का जो रिसर्च है, हाँ, रिसर्च नहीं, मेरा जो स्टडी जो किया है, मैंने स्टडी है, जो भी हो रहा है इसराइल में ये युद्ध अभी चालू हो गया, ये भगवान का एक प्लानिंग है, पार्ट ऑफ हिज प्लानिंग। कैसे? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर और जो सब लिखा हुआ है उसमें जो घटना सब होगा उसके लिए सब उसी राष्ट्र को इकट्ठा करने का जरूरत है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ था मुस्लिम कंट्रीज में, जैसे टर्की के साथ ईरान का नंबर वन है बीच, ईरान एंड टर्की, ऐसे विभिन्न मुस्लिम कंट्रीज अगेंस्ट और दूसरा मुस्लिम कंट्री थे, स्पेशली शिया और सुनी मुस्लिम देर सेपरेट कम्प्लीटली, उन्होंने बीच में वार होता है, गड़बड़ होता है, सब होता है, दे आर नेवर दे सीट टुगेदर। लेकिन अब ये जो हो गया इसमें ईरान तुर्की मिल गए, रशिया मिला है उन लोगों को, अभी और 7-8 कंट्रीज दे हैव कम इन सपोर्ट ऑफ अदर मुस्लिम कंट्रीज, ग्यारह गाजा ऑल्सो, तो क्या होगा, यूनिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैव स्टार्टेड, अच्छा, बाय दिस वार पूरे विश्व में जितने सारे इकट्ठा होने का ये सिलसिला चालू हो गया, एकजुट होने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। नहीं होगा तो 13 मुस्लिम कंट्री इकट्ठा कैसे होंगे इंडिया को अटैक करने के लिए। अच्छा, जैसे कि भविष्य मालिका में लिखा है कि लिखा है 13 मुस्लिम राष्ट्र जो है एकजुट होकर भारत के खिलाफ भयंकर षड्यंत्र की रचना करेंगे, ये मालिका में साफ साफ लिखा है। इसीलिए जो पंचसखा इसे प्रमाण देते हैं और पश्चात के जो है हमारे नॉस्ट्रोडमस भविष्यवक्ता वो भी इस चीज को लिखे हैं।
सेकेंड थिंग यह है, रशिया यूक्रेन वार अब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कंप्लीट होने के जा रहा है और 2-3-4 महीना बाकी है, 1.5 साल तो हो चुका है। तो उसमें वो रशिया भी चाहता है कि दूसरा फ्रंट खोल जाए, ताकि ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये जो सब देश है, ये लोग का जो माइंड और डाइवर्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इसको साझ करेंगे ना उसको साझ करेंगे। जितना फ्रंट खोलेगा, जितना जगह में वार चालू हो जाएगा, इन लोग का इतना ही जाकर कंट्री को हेल्प करने के लिए पड़ेगा उन लोग को। दे बिलोंग टू नाटो, नाटो का देश का नाटो का तो नाटो देश को सपोर्ट करेगा डेफिनेटली। तो क्या है, जैसे जापान हो गया आपका, ताइवान हो गया, ये नाटो का मेंबर है सब। तो क्या है, इन लोग का पूरा अटैक होकर होगा तो ये वेस्टर्न कंट्रीज और ये नाटो का जो 31-32 मेंबर्स है, उन लोग का भी अटेंशन डाइवर्ट होगा। अच्छा, ना इसको सपोर्ट करना उसको सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट नहीं आएगा, दैट इज द प्लानिंग ऑफ रशिया। यूक्रेन सपोर्ट नहीं आएगा तो यू कैन इजिली कैप्चर यूक्रेन, तो रशिया जल्दी खत्म हो जाएगा। तो रशिया ये चाह रहा है कि मतलब एक फ्रंट नहीं, कई सारे युद्ध के फ्रंट खुल जाए। वही लिखा है। अच्छा, कितने फ्रंट खुलेंगे टोटल? मेरे हिसाब से मिनिमम 6 फ्रंट। 6 क्या क्या? एक तो आपका हो गया रूस और यूक्रेन हो गया, इसराइल और पैलेस्टाइन, इसराइल सेकेंड फ्रंट खुल गया ऑलरेडी, पहले बोला था मैं। थर्ड फ्रंट चाइना एंड ताइवान, रशिया एंड जापान, लोगों के बीच में ट्रबल है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना, और चाइना, या तो इंडिया चाइना इसमें भिड़ेगा या फिर इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगा। ठीक है, चाइना पाकिस्तान मैंने वो लोग कंबाइंड अटैक करेंगे, इंडिया कंबाइंड होकर लड़ाई करेंगे भारतीय। एक फ्रंट हो गया, तो जितना फ्रंट खोलेगा उतना उसके लिए आशा है रशिया के लिए। नोस्ट्रामस वही लिखा है खोलेगा। डॉक्टर और एक बात किया है, कहा है, बोले हैं वो लोग कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पहले कुछ लक्षण देखा जाएगा। हाँ, सात जो है प्रमुख लक्षण इसमें आपने लिखे हैं। हाँ, मैं लिखा है उसमें। हाँ, दिया है उसमें आप लिखे हैं। यह है वो किताब जो उड़िया भाषा में लिखा गया है, जिसका नाम है कल की लीला। हालांकि आप में से कई सारे हमारे दर्शक ये रिक्वेस्ट किए थे कि इस पुस्तक का क्या हिंदी में कोई पुस्तक इसका है। जी हाँ, हमारा जो टीम है अभी उसका ट्रांसलेशन कर रहा है हिंदी में, और लगभग 1-2 महीने के अंदर ये हिंदी में भी उपलब्ध होगा, और हम जोर शोर से लगे पड़े हैं इसको अनुवाद करने में। जैसे ही हमारे पास पुस्तक अवेलेबल हो जाएगा, प्रिंट अवेलेबल हो जाएगा, तब हम इस वीडियो के माध्यम से अनाउंस करेंगे और आप तक ये किताब पहुँचाएँगे। तो नज़र डालते हैं इस पुस्तक के जो 190 की ये जो पन्ना है उसी में से लिखा गया है। बहुत सारे धर्म उन्हीं के बीच में आरंभ हो जाएगा, धर्म धर्म के बीच में हो जाएगा फाइट। मालिका में लिखा है, कई बार मालिका में ये भी लिखा है कि जाति जाति के बीच में हो जाएगा आरंभ हो जाएगा युद्ध, धर्म धर्म के बीच में हो जाएगा युद्ध, देश देश के बीच में हो जाएगा युद्ध, और कई बार गृह युद्ध के कारण भी बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध का जो बीज जो है वो बोया जाएगा। तो इसमें ये लिखा है कि धर्म के बीच में जो धर्मांधता, धर्म धर्म के बीच में फाइट आरंभ हो जाएगा, और कई सारे कारण ये भी हो सकता है कि अपने धर्म से लोग दूर होकर नया धर्म के प्रचार करेंगे, ये भी लिखा गया है। और ये हम बोल रहे हैं कि जो पाश्चात्य के जो हैं भविष्य भी भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस उन्हीं के बाद, ये आप लीजिए, इंग्लिश में भी है और उसमें उड़िया में भी है, जो आपका कंफर्ट लगे उसी में आप समझा दीजिए उसको। देखिए ये 7 चीज लिखे हैं वो, जी ये अभी हो रहा है, प्रेजेंट वर्ल्ड में हो रहा है अपना। क्योंकि फर्स्ट आप तो बोल दिया, हाँ, धर्मांधता दिखा देगा, बिल्कुल धर्म में विशृंखलता आएगा, धर्म धर्म के बीच में युद्ध होगा, लड़ाई होगा। दूसरे चीज लिखे है कि विभिन्न देश में विरोध युद्ध चालू हो जाएगा,
आंदोलन होगा, अभी चल रहा है वो। रशिया, इथोपिया, कंपुचिया, सूडान, लैटिन अमेरिका, ईरान, साउथ अफ्रीका, भूमध्य, साउथ अफ्रीका में चल रहा है अभी। ये सब जगह में, ये सब देश में, क्या तो अदर देश में भी, अन्य देश में भी ये होगा आपका विरोधित आंदोलन होगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आंदोलन होगा। हर जगह में गवर्नमेंट को निकाल के दूसरा गवर्नमेंट बिठाने के लिए कोशिश होगा। पृथ्वी में बहुत संघर्ष दिखा देगा, पृथ्वी कौन कौन पे संघर्ष लगेगा, पृथ्वी के हर कोने में, हर कोने में अच्छा संघर्ष लगेगा। जैसे आपका हो गया अफ्रीका में बहुत कंट्री है, बीच बीच में संघर्ष अभी चल रहा है, गवर्नमेंट के बीच संघर्ष चल रहा है, ऐसा हर जगह में लगेगा, हर कंट्री में आ जाएगा ये आस्ते आस्ते। फोर्थ लक्षण हो ये बेल लक्षण यही है, पृथ्वी का बहुत स्थान में दुर्भिक्ष आएगा, वो खाना नहीं मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो फसल उगलेगा नहीं, खाएंगे क्या, बारिश होगा नहीं, कहाँ बारिश होगा तो जोर से बारिश होगा, फसलें खत्म हो जाएगा, कहाँ बिल्कुल बारिश होगा ही नहीं तो फसल नहीं उगलेगा, दुर्भिक्ष आएगा कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स, 24, 25, 26, 3 साल दुर्भिक्ष होगा। पंचम लक्षण ये है कि पृथ्वी का वायुमंडल विषाक्त हो जाएगा, अच्छा एटमॉस्फेयर जो है कम्प्लीटली पॉइजनस हो जाएगा, अभी है वो पॉल्यूशन देखे, दिल्ली का हालत देखे, सब जगह का हालत ऐसा ही है। सिक्स्थ है क्या, बहुत जगह में, बहुत कंट्रीज में, बहुत स्थान में भूकंप होगा, भूकंप अर्थक्वेक, हाँ भूकंप होगा, हो रहा है अभी भी तो हो रहा है, मतलब अर्थक्वेक। जरा एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जो लिखा नहीं इसमें, पहले आप देख रहे थे कि भूकंप जो होता है पहले बड़ा भूकंप आता है, उसके बाद उसका आफ्टर शॉक आता है, पहले आ गया मान लीजिए 8.5 का, उसके बाद 5.5, देन 4.2, देन 2.2 एक बंद हो जाता है, अभी उल्टा होता है, उल्टा हो रहा है। अच्छा आपका कहने का मतलब है कि पहले आता है बड़ा झटका, पहले आता था धीरे 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 कमजोर होता है, हाँ पहले आता था, लेकिन उल्टा उल्टा हो रहा है, अभी उल्टा हो रहा है। मैं बोला था आपको कि हर चीज मेन जो इंसिडेंट होगा, घटना सब घटेगा, उसका 3 लेयर होगा, आद्य मध्य प्रांत, आद्य खत्म हो गया, अभी सेकेंड स्टेज इज हैज कम, मध्यम, अभी मध्यम स्टेज आ गया। अभी देखिए जो लास्ट 2-3 बड़ा बड़ा भूकंप हुआ, छोटा से चालू होके बड़ा को आया, बड़ा छोटा नहीं गया, पहले 2.2 को हुआ, उसके बाद 3.5 का हुआ, 5.5 का हुआ, उसके बाद 8.2 का हुआ। अच्छा अच्छा, ये सिलसिला भी चालू होगा, बड़ा आके छोटा को नहीं आएगा, छोटा होके छोटा भूकंप आएगा तो मान लीजिए बड़ा आधा है, ज्यादा नुकसान होगा जी, ये भगवान का देन है, हमको मालूम पड़ जाए कि छोटा भूकंप हुआ तो बड़ा आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। तो हम थोड़ा तो हाल ही में आपने देखे होंगे 2023 की है ये बात है कि हाल ही में दिल्ली नोएडा में कई बार भूकंप की झटके जो है देखने को मिला, इसका मतलब ये अगर चंद्रग्रहण आता है, लास्ट टाइम चंद्रग्रहण टाइम पे बहुत भूकंप हुआ था, अभी चंद्रग्रहण आता है होगा, तो मतलब ये तो मतलब गवर्नमेंट द्वारा ये घोषित किया गया है कि दिल्ली जो है अर्थक्वेक के मामले में रेड जोन में है।